ओके, तो हियर आई हैव द पल्सर 220F, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द पल्सर 220F, जो कि है मतलब द लेजेंडरी बाइक ऑफ द पल्सर सीरीज़। ओके, तो आज मैं इसी को बस राइड करने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त का ही है, तो मतलब मेरा 220 जो मतलब BS6 मॉडल है और 220 ये BS3 है, तो इसी के बारे में मतलब कुछ चला के आप लोगों को बताते हैं और मतलब क्या क्या चेंजेस किया BS6 में BS3 से, तो आप लोगों को वही सब बताएंगे। तो थोड़ा चला के आते हैं। मतलब अभी भी काफ़ी अच्छा कंडीशन में होके रखा है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप बहुत ही फाड़ फूड के चलाओगे, पर काफ़ी अच्छा कंडीशन होके रहा है। और अभी ज़्यादा मतलब पिकअप विकअप कर नहीं चलाएंगे, वैसे भी बारिश हो रहा है और ब्रेकिंग भी इसका थोड़ा ख़राब होके रखा है। तो बस मैं उसी से मांग के लाया था और अभी मतलब आप लोगों को बस चला के दिखाते हैं कि बाइक अभी कैसा होके रखा है। मतलब BS3 मॉडल है, जोरहाट पे जब पहला 220 जब आया था मतलब उसी सीरीज़ का है। और बाइक का एक प्रॉब्लम है, बीच बीच में बंद हो जाता है, तो बीच में भी आप लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा कभी। तो बाइक का कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं, तो फिर भी आप लोग को थोड़ा पिकअप दिखाते हैं। तो अभी इतना स्पीड पे नहीं चलाएंगे क्योंकि इधर गाड़ी वाड़ी भी आता रहता है और बाइक का ब्रेकिंग भी इतना अच्छा होके नहीं रखा है। तो हाईवे पे चढ़ते हैं, हाईवे पे चढ़ने के बाद आप लोग को थोड़ा पिकअप दिखाते हैं। ओके, और चलो चलते हो। तो ब्लॉक करते करते किस अमीर इंसान को मिल के देखो। ओके, तो अभी बाइक के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं, तो पूरा एग्जैक्ट सेम ही है, कोई मतलब चेंजेस नहीं आया गया बाइक पे। बाकी बस अभी डिकल्स आता है, ये जो डिकल्स रहता है इधर, तो अभी डिकल्स आता है और पहले डिकल्स नहीं आता था। और ये लाइट का स्विच ये अभी मतलब बंद हो गया BS4 से। और बाकी इधर बेली पेन अभी आता है लेकिन BS3 पे नहीं आता था। एग्जॉस्ट भी चेंज हो गया, एग्जॉस्ट अभी ब्लैक कलर का आता है और पहले सिल्वर कलर का आता था। और बाकी ये डिस्क ब्रेक है, ये दोनों ही डिस्क ब्रेक है, लेकिन अभी का सब बाइक्स में ही मतलब ABS डालना मतलब कंपलसरी हो गया, तो अभी ABS आता है। और बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया गया। और मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, तो मीटर कंसोल पे जो RPM है, RPM काफ़ी चेंज आ गया है अभी। RPM और पहले का RPM बहुत डिफरेंस है। और अंदर का जो भी लाइट है वो अभी, और पहले ऑरेंज कलर का आता था, अभी लेकिन ब्लू कलर का आता है। और बाकी वो किलोमीटर एंड ऑन ट्रिप सब सेम जगह पे ही है। और जो फ्यूल इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर काफ़ी चेंजेस हुए, तो कुछ ऐसा ही है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, बेसिक चीज़ है 220F, सबको पता ही है कि ये बाइक कैसा है। और सबसे बड़ा चेंजेस कि अभी सब बाइक फ्यूल इंजेक्टेड हो गया, लेकिन पहले ये कार्बोरेटर इंजन था, तो ये बहुत एडवांटेज वाला चीज़ है, लेकिन अभी भी ये सब नहीं है। तो यही बस एक सिंपल वीडियो था, सबको 220 के बारे में पता ही है, तो मैं क्या बताऊँ, बस ऐसे ही मैं चला के आप लोग को दिखाया थोड़ा, क्योंकि ये मतलब मेरा बाइक का बड़े भैया है, ऐसे बोलो कि मतलब मेरा बाइक BS6 और ये BS3 का पहला जनरेशन ऑफ द पल्सर 220F। तो यही था वीडियो, तो अभी चलते हैं, दोस्त को बाइक दे देते हैं, बारिश भी हो रहा है और रुकना नहीं है। ओके,